अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप ठीक होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने गिग के लिए, अपनी प्रोफाइल के लिए या अपनी स्पेसिफिक निश के ऊपर। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से हम प्रैक्टिकली कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और कुछ इस तरह से हमारे पास इंटरफेस आ चुका है। सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, हमने एक शीट ओपन कर लेनी है। मैं यहाँ पे गूगल शीट ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं जो भी कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करूँगा उनको यहाँ पे रख लूँगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एक जल्दी से एक शीट, ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक शीट क्रिएट कर ली, राइट। तो आज हम जो कीवर्ड रिसर्च करेंगे वो हमारा जो मेन टॉपिक, लेट्स से हम एक निश चूज कर लेते हैं वर्डप्रेस, राइट, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट डिजाइनिंग। तो इसके अबाउट हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेट्स से वर्डप्रेस की मेरी निश है या टॉपिक है जिसकी मैं सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग और डिजाइनिंग, ओके। और यहाँ पे मैं वो कीवर्ड्स डालूंगा और यहाँ पे मैं दो कॉलम्स बना लेता हूँ, एक को मैं कह देता हूँ मेन, राइट, और एक को मैं कह देता हूँ सेकेंडरी, ओके। तो अभी मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, चले मान लिया इनको मैं इस तरह से कुछ ग्रीन कर देता हूँ और इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ओके, फाइन। तो हमारे पास दो तरह के कीवर्ड हमने निकाल लें, एक मेन कीवर्ड, वो मेन कीवर्ड जिसके ऊपर हम रैंक करना चाह रहे हैं, और उसके साथ हमारे पास कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे जिनको हम ऐड कर देंगे एज अ सपोर्टिंग कीवर्ड, राइट। तो मेन कीवर्ड हमने ढूंढने और सेकेंडरी कीवर्ड भी हमने ढूंढने। तो हम चलते हैं फाइवर के ऊपर और सिंपल फाइवर की यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च इंजन के ऊपर सर्च करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ बिफोर सर्चिंग दैट मैं आपको समझा दूँ, लेट्स से हम गूगल के ऊपर जाते हैं, ठीक है, google.com के ऊपर जाते हैं सिंपल, लेट्स से मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो कुछ भी सर्च करूँगा तो गूगल मुझे उसके रेलिवेंट ऑटोमेटिकली सजेशंस देना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है उस स्पेसिफिक चीज़ के अबाउट, तो ये सर्च इंजन ऑटोमेटिकली हमें सजेशंस देना स्टार्ट कर देता। लेट्स सपोज मैं सिर्फ यहाँ पे COV लिखता हूँ तो यहाँ पे देखें टोटल कीवर्ड्स COVID-19, कोविड इंडिया। अब मैं ऑब्वियसली या मैं यहाँ पे CO कन्वर्स कन्वर्टर, ठीक है, CO लिख देता हूँ, इवन CO लिख देता हूँ, COV लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखें मुझे डिफरेंट सजेशंस दे दिए गूगल ने। इसका मतलब ये है कि ये वाले कीवर्ड्स लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सर्च इंजन के ऊपर सर्च कर रहे हैं, राइट। तो इसी तरह हमने क्या करना है, फाइवर के सर्च इंजन के ऊपर अपना मेन कीवर्ड लिखना है, कोई भी मेन कीवर्ड। लेट्स सपोज मैं वर्डप्रेस के रेलेवेंट कीवर्ड से आ रहा हूं तो मैं सिर्फ वर्डप्रेस लिखूंगा और बाकी के कीवर्ड्स वो मुझे खुद दे देगा कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो लोग फ्रिक्वेंटली सर्च कर रहे हैं, राइट। तो हम चलते हैं लैपटॉप यहाँ पे, सॉरी, फाइवर के ऊपर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डप्रेस। इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ जो ऑलरेडी मैंने सर्च किया, और यहाँ पे देखें सिर्फ सिंपल मैंने वर्डप्रेस लिखा और यहाँ पे मुझे इसने डिफरेंट जो है वो सजेशंस दे दिए, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस प्लगइन, वर्डप्रेस जो ई कॉमर्स वेबसाइट, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, वर्डप्रेस एलिमेंटर, राइट, डिफरेंट कीवर्ड्स। अब इसके अंदर से लेट्स से मैं एक कीवर्ड बनाना गिग बनाना चाह रहा हूँ, एक सर्विस लगाना चाह रहा हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग के रेलिवेंट, राइट। अब यहाँ पे एक और प्लगइन हमारे यहाँ पे कीवर्ड शो हो रहा है वर्डप्रेस प्लगइन। अब ये प्लगइन, ये कीवर्ड तो मेरे काम का नहीं है ना उस गिग के लिहाज से, उस सर्विस के लिहाज से, तो मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, राइट। तो मैं यहाँ से जो मेरे काम के कीवर्ड्स हैं, लेट्स से ये एक कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे इसको मेन कीवर्ड एज अ मेन कीवर्ड डाल दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं वर्डप्रेस ई कॉमर्स और इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अगेन, इसको भी मेन में डाल दिया। वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, बारी बारी जो जो मेरे सामने आ रहे हैं उन सबको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे सर्च कर दूंगा, ओके, वर्डप्रेस एलिमेंटर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमें
फाइवर ने कुछ कीवर्ड्स निकाल के दे दिए कि ये वाले कीवर्ड्स लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, उसके सर्च इंजन ने हमें बताया। अब हमें चूज़ ये करना है कि इनके अंदर से हमारा मेन कीवर्ड कौन सा होने वाला है, राइट, जो हमारा मेन कीवर्ड होगा और बाकी के हमारे सेकेंडरी कीवर्ड होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इन कीवर्ड्स को फाइवर के ऊपर ही सर्च करना पड़ेगा और फाइवर पे उस कीवर्ड के अगेंस्ट कौन कौन सी जो है हमारे पास सर्विसेज आ रही हैं, कितनी सर्विसेज आ रही हैं उनको हम देखेंगे। लेट्स सपोज एक कीवर्ड वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, उसके ऊपर ऑलरेडी अगर हम वो सर्च करते हैं उसके ऊपर 10 सर्विसेज हैं, राइट, और दूसरा कीवर्ड है वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट और उसके ऊपर हमारे पास सर्विस 2 सर्विसेज हैं, तो हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारा कंपटीशन कम हो रहा है, जिस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्विसेज जो हैं वो कम हैं और डिमांड उसकी ज़्यादा है, तो उस कीवर्ड को हम चूज़ करेंगे। तो लेट्स से मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और फाइवर पे यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, राइट, ओके। तो यहाँ पे हमने सर्च किया वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सर्विसेज 1,03,510 सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो कि ह्यूज है। अब हमें इस मार्केट के अंदर आना है तो इन सबको हमें क्रॉस करके टॉप के ऊपर आना है, तो जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। इसके अगेंस्ट अगर मैं कोई दूसरा कीवर्ड यहाँ पे सर्च करूँ, लेट्स से ये वाला, और इसको सर्च करूँ और इस पे देखता हूँ कि इसके अगेंस्ट कितनी सर्विसेज मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको मुझे कम्पीट करना ईजी रहेगा। अब यहाँ पे 60,000 है, वहाँ पे हमें 1,00,000 लोगों को बीट करना था, यहाँ पे हमें 60,000 लोगों को बीट करना है। तो अब जेन्युइन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 60,000 लोगों को बीट करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू 1,00,000 पीपल, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा कीवर्ड है जो कि हमारा मेन कीवर्ड है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर्स, राइट। आप बाकियों को भी सर्च कर सकते हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एज अ रेड ग्रीन, ये मेरा मेन कीवर्ड है, राइट। और उसके बाद ये वाले जो कीवर्ड है ये मेरे सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे। अब बिफोर चूजिंग अ कीवर्ड, इस कीवर्ड को मुझे फाइनलाइज करने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमारे पास गिग्स आ रहे हैं, क्या उनके अंदर, मतलब जो भी बायर इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है और उसके सामने जो गिग्स आ रहे हैं, क्या उन गिग्स के अंदर उस जगह पे हमारे लिए स्पेस है, इजी टू रैंक है वो कीवर्ड या नहीं है। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो गिग्स आ रहे हैं, क्या उसके ऊपर बायर ऑर्डर्स करके जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो वो हम किस तरह से वेरीफाई करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे आए, हम इस कीवर्ड को हम चूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे देखें, हम कोई ऐसा कीवर्ड यहाँ पे ऐसा गिग ढूंढेंगे जो कि बहुत लो हो, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम उसने किए हों और वो तब भी टॉप पे आ रहा हो, तो इसका मतलब अगर वो टॉप पे आ सकता है तो हम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमें ये मिल गए, ठीक है, सिर्फ इसने 7 ऑर्डर्स कम्प्लीट किए और ये यहाँ पे सेकेंड लाइन के अंदर ये जो प्रोफाइल है ये बैठी है। तो ऑन द अदर एंड जिसने 12 किए हैं वो भी यहाँ पे बैठी है और जिसने कोई भी नहीं किया वो भी यहाँ पे बैठे हैं, राइट, राइजिंग टैलेंट के अंदर जिसने। अब यहाँ पे देखें कि ऐसे ऐसे लोग इस कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप के ऊपर आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कम ऑर्डर्स किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम न्यूली एंटर हो रहे हैं इस मार्केट के अंदर, तो ये कीवर्ड हमारे लिए सूटेबल। अब हमें ये तो पता चल गया कि इस कीवर्ड के ऊपर जो सर्विसेज हैं वो कम हैं बाकी कीवर्ड्स की निस्बत, इस कीवर्ड के ऊपर हमारे पास गैप है क्योंकि बाकी लोग कम ऑर्डर्स के साथ 2-3 ऑर्डर 4-5 ऑर्डर करने के बाद ही इस इधर टॉप पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम भी अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमारे चांसेस भी हैं कि हम यहाँ पे टॉप पे आ जाएं, राइट। अब जो तीसरी चीज़ है वो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि ये जो गिग्स हैं क्या इनके ऊपर अभी भी बायर आके इस कीवर्ड के अगेंस्ट बायर आके इन गिग्स के ऊपर ऑर्डर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ गिग्स जो है वो रैंडम ओपन करेंगे और देखेंगे, कुछ बेसिक से गिग रैंडम ओपन करेंगे, ये लेवल 2 आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होता है लेवल 1। तो हम बेसिक से वो ओपन करेंगे और देखेंगे कि ऑर्डर्स की रेशो क्या है। अब मैंने ये ओपन कर लिया, यहाँ पे देखें 7 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, मतलब कि 7 ऑर्डर्स ये प्रोफाइल एट अ टाइम इसके ऊपर अवेलेबल हैं, राइट। तो यहाँ पे देखें, मतलब ऑर्डर्स किए हुए हैं बायर्स ने और ये जो प्रोफाइल का ऑनर है वो इनको कर रहा है या कर रही है,
अब हम बाकी प्रोफाइल्स भी देखते हैं क्या उनके ऊपर भी सेम लोग मतलब ज्यादा ऑर्डर्स हैं क्यू के अंदर या नहीं है। वो चीज हमारे लिए ये चीज वेरीफाई कर रही है कि लोग अभी भी इस कीवर्ड के ऊपर सर्च करके जो उनके सामने गिग आते हैं उनको ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब उन बायर्स की पोटेंशियल पावर है। तो यहाँ पे देखिए इसके पास भी 3 कीवर्ड्स हैं और इसके पास नहीं है। तो हमने 3 गिग्स ओपन किए, 3 के अंदर से 2 के पास अच्छे ऑर्डर्स थे, 1 के पास नहीं था। तो इसका मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये कीवर्ड एक अच्छा कीवर्ड है, इसके ऊपर सर्विसेज भी कम है, इसके ऊपर कंपटीशन भी है, हमारे लिए गैप भी है, हम यहाँ पे थोड़े से ऑर्डर करने के बाद टॉप पे आ सकते हैं। और थर्ड थिंग हमने ये वेरीफाई की कि इसके ऊपर जो बायर आ रहा है ये कीवर्ड सर्च करके सर्विस ढूंढने के लिए, वो ऑर्डर्स भी कर रहा है और अच्छे ऑर्डर्स कर रहा है, और बाकी लोग जिनके कम ऑर्डर्स हैं वो अच्छे खासे ऑर्डर्स प्रोसीड कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, हमने एक कीवर्ड को वेरीफाई किया कि ये हमारा मेन कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट हमारा मेन गोल है, हमें रैंक करना है अपना कीवर्ड, जो कि आगे चल के हम करेंगे भी। और जो इसके अलावा ये बाकी कीवर्ड्स हैं इनको हम उसी गिग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज कर लेंगे। किस तरह से यूज करेंगे, वो गिग बनाते टाइम हम यूज करेंगे। तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि हमने किस तरह से जो है अपना कीवर्ड फाइनलाइज किया और उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने किस तरह से वेरिफिकेशन की कि इसके ऊपर कंपटीशन कितना है, इसके ऊपर बायर्स ऑलरेडी अभी भी हैं या नहीं है, ऑर्डर दे रहे हैं नहीं दे रहे, और ये सारी चीज़ें हमने वेरीफाई की। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स टू यू। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।